हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFDM हो सकता है इस टाइम आपको क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मिरर कर रही होगे, तो हो सकता है कि आप लोग आज पर्जिंग वाले फेस करना पड़ सकता है। मतलब कि सिचुएशन ही ऐसी आ चुकी है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में आपके पार्टनर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं चाइल्डहुड वोंट्स बाहर सरफेस हुए हैं, जो एक बचपन से ही आपको, जैसे आपके पार्टनर आपका भी हो सकता है चाइल्डहुड अगर इशू है, तो आपको बचपन से जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे या जिस चीज़ के ऊपर आपने एक पर्दा डाल के रखा हुआ था कि उस चीज़ को दबा दिया था अपने वोंट्स को, कि आप प्यार पाना चाहते थे लेकिन प्यार के ऊपर आपने एडिक्शन डाल दिया। ऐसे ऐसी आपने एडिक्शन के अंदर अपना जो फियर था, जो अपना वोंट्स थे, वो दबा रखा था कि मैं इस चीज़ को दोबारा ना देखूं। तो उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आपने एडिक्शंस का सहारा लिया हो, ठीक है। और वही एडिक्शन या कोई वोंड्स आपके सरफेस हो गया हो, तो आज हो सकता है कि आप बहुत फूट फूट के रोने वाले हों, या आपके पार्टनर रो सकते हैं। देखो मेरा भी थॉट ब्लॉक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कलेक्टिव में एनर्जी पिक कर रही हूँ, मेरा पेन हो रहा है, थॉट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ये डेविल भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि आप तक एनर्जी पहुँचानी होती है तो कई बार ये भी रोकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो एनर्जी अपडेट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपके पार्टनर का सारा फोकस आप ही हो इस टाइम, आपके बारे में सोच कर क्राइंग एनर्जी में दिख रहे हैं, बात करना चाहते हैं, पास में चीज़ें जो हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है वो इरिटेट भी हो रहे हों, सबसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी DF से बात करना चाहते हैं, उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें सिर्फ अपनी DF से ही बात करनी है। शेयर करना चाहते होंगे कुछ अपनी गलतियों को लेके, कुछ अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहते हों। यूनिवर्स ने ही ये सब करा के उनका हार्ट ब्रेक किया है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी का टाइम। मैंने बोला था 7-7 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, 25 से स्टार्ट हो चुका है, तो इस पैटर्न में वो डैपन कर चुके हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं। अब उन्हें थर्ड पार्टी मतलब 3D वर्ड से निकल के वो 5D लेवल पे चेंज हो गए, लेकिन 3D में 5D में भी उनके अब कर्मा जो बैगेज हैं 5D लेवल के हिसाब से, वो कर्मा सरफेस हो रहे हैं, तो वो फेस करने भी हैं। गलत फहमियाँ डाउट्स से क्लियर होंगी, फेस रिवील होंगे उनके सामने, उन्हें समझ आएगा ये जर्नी, क्योंकि वो जो भी कर्मा बैगेज उनका 5D लेवल पे होगा वो उन्हें एक अवेकनिंग की तरफ ले जाएगा। उनकी आंखें खोलने के लिए एक पैटर्न तैयार किया गया है, ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का एक तरीका है, जो डिवाइन का प्लान गेम है, ठीक है। ये एक पैटर्न है, इसको समझना बहुत बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन समझना भी ज़रूरी है, इसीलिए आपके सामने चैलेंजिंग दी जा रही है आपको। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी, कुछ अवेकनिंग होगी, कुछ समझ आएगा, कुछ मेहनत करनी है, कुछ स्ट्रगल करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है 5D लेवल पे, जो 5D लेवल की सोल होती हैं, ठीक है। आपस में कनेक्ट करके, हायर सोल की बात कर रही हूँ मैं, कि 5D नॉर्मल सोल नहीं होती, 5D अवेकन सोल होती हैं, वो ही इनकी आँखें खोलने के लिए कुछ ट्रिगर कर सकते हैं, या एक प्लान गेम डिवाइन की तरफ से इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करने के लिए ये गेम हो सकता है, डिवाइन टेस्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बहुत टाइम से हो सकता है कि आपके साथ गलत कर रहे हो, अब उनकी आंखें खुली हों या अवेकनिंग स्टार्टिंग हो गई हो, तो उनको थोड़ा सा आपका मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो। हो सकता है कि दो सिचुएशन में कभी आगे बढ़ने का सोचते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, अप डाउन चल रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो करना क्या है राइट नाउ, तो वो वहाँ पे अभी थोड़ा सा लिटिल फंसे हुए हैं, नहीं समझ आ रहा है कैसे अपने एम्प्रेस के पास जाऊँ, अपनी DF के पास जाऊं, ताकि मैं उनको क्लैरिटी दूं कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें बचपन से होती आई थी जिसकी वजह से मैं अपने आप को हमेशा अकेला या इस तरीके से फील करता था, कि इसी चक्रों में मैंने ये चीज़ों को अपनाया जो आज एडिक्शन है, जिसकी वजह से अब तक मैं कुछ आपके साथ गलत किया और कुछ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ही इन्हीं चीज़ों में करके अपनी ख़त्म कर दी, अपना एंड कर दिया, अपना रिलेशनशिप इन चीज़ों के बेस पे, ईगो मेरा इतना बढ़ गया था, गलत कामों की तरफ बढ़ चुका था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको अपनी क्लैरिटी देते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अपने अपने वे भी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग या आपके पार्टनर आपसे रिवील कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ अभी हाँ और ना में स्टिचर चल रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं, ये भी फंसे हुए हैं, लेकिन ऑन द वे हैं, ये भी ट्रूथ है जो इसको एक्सेप्ट करना है, पेशेंस रखना है और
ब्लेसिंग दो, इससे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम तो आपको डिवाइन ने वैसे ही डिटैच कर दिया तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उन वो खुद से एफर्ट करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर वो खुद से आते हैं तो आप बात कीजिए, अगर वो अपने आप से कोशिश मत कीजिएगा, डिवाइन से परमिशन लेके करिए। अगर आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए तो आप डिवाइन से परमिशन लीजिएगा, ठीक है जी। तो डिवाइन जो भी आपको इंडिकेशन दे उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो फिलहाल की अपडेट यही फील हो रहा था, और एक सॉन्ग डाल दूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।